हेलो माय डियर स्टूडेंट्स माय नेम इज मैं आई वेलकम यू ऑल टू दी एम अकेडमी आज मैं स्टार्ट करूंगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का नया चैप्टर जो है एवरेज एवरेज के मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी बट उससे पहले मैं आपको बेसिक पढ़ाऊंगी कि बेसिक क्या होता है कौन कौन से मैथड्स आप यूज कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी प्लस मैं आपको शॉर्टकट्स एंड ट्रिक्स सिखाऊंगी जिससे आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर अब मैं स्टार्ट करती हूँ एवरेज जिसको हिंदी में बोला जाता है औसत अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ की एवरेज का मतलब क्या होता है है सपोज कोई तीन लोग हैं ए बी सी सपोज इनको अलग अलग आइटम डिस्ट्रीब्यूट किए गए ए को मिले तीन आइटम बी को मिले आठ आइटम और सी को मिले चार आइटम ठीक है अब आपसे पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितने डिस्ट्रीब्यूट है उनका एवरेज बताइए तो देखिए आपने तीन लिया आठ लिया और चार लिया तीनों को क्या किया सम कर दिया अब सम करने के बाद तो डिवाइड बाय थ्री इनका सम करके देखिए कितना आ रहा है ये हो गया आपका इलेवन इलेवन प्लस फोर हो गया आपका फिफ्टीन तो फिफ्टीन को जब आपने डिवाइड किया थ्री से तो आपको एवरेज कितना मिल रहा है

भाग देते हैं किससे अवलोकनों की संख्या से तो देखिए अब इसी फॉर्मूला से अप्लाई करके देख लेते हैं देखिए थ्री प्लस एट प्लस फोर यही तो किया था हमने थ्री प्लस एट प्लस फोर डिवाइड बाय नंबर ऑफ पीपल्स तो हमने डिवाइड कर दिया थे थ्री से तो ये आ रहा था आपका फिफ्टीन डिवाइड बाय थ्री विच इज फाइव तो ये हो जा रहा था एवरेज आप अब देखिए हमारा टाइप वन में क्या होता है आपको एवरेज ऑफ द नंबर्स निकालना पड़ता है अब एवरेज ऑफ द नंबर्स मतलब क्या हुआ जैसे आपको क्वेश्चन कैसे फॉर्म होता है एवरेज ऑफ मतलब से लेकर नाइनटी नाइन की सारी संख्याओं का क्या निकालना है आपको एवरेज या फिर औसत निकालना है बट मैं डेफिनेटली बोलूंगी आप फर्स्ट ऑप्शन के साथ नहीं जाओगे अब आप जाओगे सेकेंड ऑप्शन के साथ सेकेंड ऑप्शन क्या होगा आपका कि आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा मिनिमम टाइम पे बहुत स्मार्ट तरीके से तो देखिए आपको बोला गया है फाइंड एवरेज फ्रॉम वन

एवरेज फॉर्मुला तो पता ही है कि एवरेज का फॉर्मुला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब क्या करेंगे आप सम निकाल लेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो अगर आप इसमें थोड़ी सी चेंजेस लाओ चेंजेस कैसे ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को अगर आप ऊपर ले जाओ कहाँ पे एवरेज से मल्टीप्लाई कर दो तो ये कैसा बन जाएगा ये समथिंग आपका ऐसा आ जाएगा एवरेज इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन तो आपको अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन सब कुछ पता है तो आप डायरेक्टली क्या एवरेज ऑफ ऑब्जर्वेशन निकाल लेंगे तो यहाँ से आपके क्वेश्चन क्या हो जाएंगे जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे अब देखिए सम ऑफ एन नेचुरल नंबर अब अगर नेचुरल नंबर है वन टू थ्री फोर सपोज फाइव तक ही ले रहे हैं एन हम लेते हैं एन की वैल्यू ले ली हमने फाइव ओके okay. अब देखिए आपसे क्या बोल रहा है सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या होता है एन इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाई टू तो देखिए हम रख लेते हैं एन क्या है हमारा फाइव फाइव प्लस वन मतलब सिक्स डिवाइड बाई टू तो देखिए ये हो गया आपका थ्री एंड थ्री फाइव से फिफ्टीन हो गया आपका तो ये क्या मिला आपको सम मिला अब आपको एवरेज निकालना है तो देखिए आप एवरेज कैसे निकालते हैं सम को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो आपके ऑब्जर्वेशन कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ही ऑब्जर्वेशन है तो डिवाइड बाई फाइव कर दिया तो यहाँ से आपका एवरेज कितना मिल गया

सपोज वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा सेवन ये क्या है आपके कन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं मतलब वन के बाद क्या आता है आपका थ्री आता है थ्री के बाद फाइव आता है और फाइव के बाद सेवन आता है और ये सारे ऑड नंबर की सीरीज़ हैं तो यहाँ आप एन की वैल्यू क्या रख दोगे एन देखिए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं वन टू थ्री फोर तो यहाँ फोर रख दिया और फोर का कर दिया आपने स्क्वायर तो इनका सम कितना मिल जाएगा आपको सिक्सटीन मिल जाएगा तो ये तो मिल गया आपको सम अब आपको निकालना है क्या आपको निकालना है एवरेज तो एवरेज क्या होता है आपका सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ओके तो आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं चार को तो डिवाइड कर दिया इसको चार से तो यहां से आपको क्या मिल गया एवरेज फोर मिल गया अब देखिए नेक्स्ट अगर आपको एन क्यूटिव इवन नंबर्स बोल दिए गए सपोज टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स कॉमा एट कॉमा टेन

Then, उसके बाद आप सिंपली क्या करेंगे फाइव को मल्टीप्लाई कर देंगे इलेवन से तो आपका सम कितना आ गया फिफ्टी फाइव आ गया अब ये तो हो गया आपका सम आपको क्या निकालना है एवरेज तो इसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आ गए आपके पांच हो गए तो इसका आपका एवरेज कितना आ गया इलेवन आ गया क्लियर अब लास्ट देख लो सम ऑफ क्यूब ऑफ एंड कंजीक्यूटिव नेचुरल नंबर अब कंजीक्यूटिव जिनको अभी क्लिक नहीं हो रहा हो तो उनको मैं बताती हूँ कंजीक्यूटिव मतलब जो लगातार आते हैं ओके अब आपको यहाँ पे क्यूब वाली सीरीज देखनी है सपोज वन का क्यूब ले लेते हैं टू का ले लेते हैं थ्री का ले लेते हैं फोर का ले लेते हैं फोर तक ही रखते हैं ओके okay? तो देखिए एंड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके यहाँ पे फोर हो जाएगी देखिए फोर इन टू फोर प्लस वन विच इज फाइव डिवाइड बाय टू अब क्या करेंगे इन सब का कर देंगे स्क्वायर तो देखिए ये तो टू से फोर गया तो ये कितना हो गया टू हो गया टू फाइव जै टेन होता है और टेन का करना है आपको स्क्वायर क्योंकि बाहर लगा है स्क्वायर तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी हंड्रेड आ जाएगी क्लियर ज़्यादा है तो इसको चेक करके देख लो वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब प्लस थ्री का क्यूब प्लस फोर का क्यूब वन का क्यूब वन टू का क्यूब आपका एट थ्री का क्यूब आपका ट्वेंटी सेवन फोर का क्यूब आपका सिक्सटी फोर एड कर लो ये हो गया आपका फाइव फाइव प्लस सेवन हो गया आपका ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस एट हो गया आपका ट्वेंटी ये हो गया जीरो टू कैरी ये हो गया आपका टेन 10, तो हंड्रेड बन गया ना तो ये हो गया आपका हंड्रेड ये क्या हुआ आपका सम निकला लेकिन अब आपको निकालना है एवरेज डिवाइड कर दिया इसको किससे फोर से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ट्वेंटी आ जाएगा ओके okay, तो देखिए आपने सब में क्या किया है आपका ये सम है इस सम में क्या कर रहे हो आप सम निकालने के बाद आप डिवाइड कर रहे हो किससे एन से ही कर रहे हो तब जाके क्या मिल रहा है आपको एवरेज मिल रहा है यही तो कर रहे हो आपका एवरेज कैसे मिल रहा है आपको सम निकाल रहे हो उसके बाद क्या कर रहे हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से इसको डिवाइड कर रहे हो तो मतलब सबको डिवाइड किससे कर रहे हो एन से कर रहे हो अगर आप इसी फॉर्मले में एन को गायब कर दो हर जगह से एक एक एन को तो आपका एवरेज आ जा जाएगा देखिए कैसे यहाँ से एक एन गया तो ये क्या बन गया एवरेज बन गया यहाँ से इसका पावर चला गया तो ये भी क्या बन गया एवरेज बन गया यहाँ से एक एन चला गया तो ये भी एवरेज बन गया अब यहाँ से भी एक एन चला गया तो ये भी एवरेज बन गया लेकिन यहाँ पर मिस्टेक नहीं करनी है आपको अब कैसी मिस्टेक देखिए यहाँ से अगर आपने एन चला गया तो क्या होगा मिस्टेक हो जाएगी कैसी देखिए आप इसको अगर ओपन करके देखें तो कैसा हो जाएगा एन का स्क्वायर इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय टू का स्क्वायर ऐसा ही होगा अगर आप यहाँ से एन को अकेले को गायब कर देते तो आपका ऐसा कुछ बन जाता ना एन प्लस वन डिवाइड बाय टू होल स्क्वायर और इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है क्योंकि देखिए आप इस टोटल को ओपन करने के बाद डिवाइड कर रहे हैं एन से तो इस एन से ये वाला बस पावर जाएगा मतलब आपने कितने की कमी कर दी यहाँ पे आपने यहाँ पे एक एन की कमी कर दी ओके तो ये मिस्टेक आपको यहाँ नहीं करनी है यहाँ पे सिंपली आपका एवरेज कितना हो जाएगा ये हो जाएगा एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय फोर ये बन जाएगा क्या एवरेज अब देख लीजिए ये हो जाता है आपका एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे भी देखिए आपने एन गायब कर दिया तो एवरेज का फॉर्मुला बन गया कंजीक्यूटिव और नंबर्स का एवरेज देखिए सिंपली एन ही हो जाता है इवन नंबर्स का एवरेज कितना हो जाता है एन प्लस अगर बोल दिया स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल जाएगा एन प्लस वन टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स यहाँ से एन क्या हो जाता था गायब हो जाता था अब ये क्यूब वाला तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये क्या हो जाएगा एन इन टू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय फोर मैं एग्जाम्पल से बता देती हूँ सपोज वन टू थ्री फोर कहाँ तक ले जाना है आपको एट्टी तक ले जाते हैं ओके तो देखिए एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पे एटी हो गई ओके इनका सबका सम करके आपको एवरेज निकालना है तो देखिए आप डायरेक्टली एवरेज का फॉमूला लगा दो और एवरेज का फॉर्मला क्या हो जाएगा एन कंजीक्यूटिव नेचुरल नंबर का यहाँ पे सिंपली क्या 80 रख दो आप तो 80 प्लस वन डिवाइड बाई टू तो ये क्या हो जाएगा आपका 81 वन डिवाइड बाई टू तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी फोर्टी पॉइंट फाइव तो ये बन गया क्या आपका एवरेज अब यहाँ पे अप्लाई करके देख लो एवरेज ऑफ आव एन कंजीक्यूटिव ऑर्ड नंबर्स निकाल के देखते हैं सपोज वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव कॉमा सेवन कॉमा नाइन ये कितने ऑर्ड नंबर्स हैं आपके पाँच हैं तो एन की वैल्यू कितनी होगी आपकी यहाँ पे फाइव चेक करके देख लो देखिए इन सबको ऐड करके देखो आप सम कितना आ रहा है और डिवाइड करके देखो इनको फाइव से तो देखिए ये हो गया आपका फोर फोर प्लस फाइव नाइन नाइन प्लस सेवन आपका सिक्सटीन सिक्सटीन प्लस नाइन आपका हो गया ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव को डिवाइड किया आपने फाइव से तो मिल रहा है आपको एवरेज फाइव वैलिड है अब नेक्स्ट क्या है आपका एवरेज ऑफ एन कंजीक्यूटिव इवन नंबर्स अब इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है इन दोनों को कैसे देखिए सपोज ये वाला लेते हैं हम केस एन कंजीक्यूटिव इवन नंबर्स देखिए टू कॉमा फोर कॉमा सिक्स कॉमा एट कॉमा टेन ओके okay, पांच हो गए हमारे तो इनका एवरेज कितना हो जाएगा आपका फाइव प्लस वन विच इज सिक्स चेक करके देख ले देखिए ये हो गया आपका सिक्स सिक्स प्लस सिक्स ट्वेल्स ट्वेल्व प्लस एट हो गया आपका ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस टेन हो गया थर्टी डिवाइड बाय फाइव मिल रहा है ना 6 क्लियर अब देखिए यहाँ पे एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट टाइम कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ये भी आप इजीली निकाल लेंगे क्यूब का भी आप इजीली निकाल लेंगे तो अब हो गया आपके लिए काफी इजी अब ये क्वेश्चन करके देखिए सॉल्व फाइंड एवरेज ऑफ फर्स्ट 99 इवन नंबर्स अब आपको यहां क्या करना है फर्स्ट 99 इवन नंबर्स को सॉल्व करना है अब आपने अभी यहां पे फार्मूला पढ़ा क्या सम क्या पढ़ा था आपने यहां पे सम का फार्मूला पढ़ा था आपने n n 1 और एवरेज क्या होता है डिवाइड कर दो एन से तो ये हो जाएगा आपका एवरेज यहाँ नाइनटी नाइन का आपका एवरेज कितना हो हो जाएगा 99 प्लस इज काफी इजी गया ना कितना ज्यादा कैलकुलेशन आपने पे अवॉइड कर दिया वरना आप क्या करते सिंपली वन प्लस टू प्लस थ्री नाइन्टी नाइन तक जाते डिवाइड बाय नाइन्टी नाइन करते खत्म हो जाता वहीं पे आपका टाइम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ द स्क्स ऑफ फर्स्ट सेवनटीन नेचुरल नंबर यहाँ पे आपका एवरेज भी आएगा ओके okay? टाइप नहीं हुआ है ओके okay? तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है एवरेज निकालना है स्क्वायरस ऑफ फर्स्ट सेवनटीन मतलब वन का स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर सो ऑन करते करते सेवनटीन का स्क्वायर डिवाइड बाय सेवनटीन ये आपको करना है तो आपको मैंने अब भी फॉर्मूला बताया आप इनका सम कैसे निकालते हो आप इनका सम निकाल लेते हो सिंपली ई वाले फॉर्मले से तो देखिए आप सिंपली यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी रखोगे सेवेंटीन रखोगे ओके okay? तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा सम का एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सिक्स लिख देती हूँ एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स ये तो हो गया किसका फॉर्मूला आपका सम का आपको किसका निकालना है एवरेज का तो डिवाइड कर दिया एन से इसको भी डिवाइड कर दिया एन से तो ये क्या बन जाएगा आपका एवरेज तो यहाँ पे आप सेवनटीन रख दो ये हो जाएगा आपका एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स एक बार मैं अच्छे से ही लिख देती हूँ एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन डिवाइड बाय सिक्स ये क्या हो जाएगा आपका एवरेज ओके एन की वैल्यू कितनी रख दी आपने सेवनटीन तो सेवनटीन प्लस वन कितना हो गया आपका एटीन हो गया अब यहाँ पे क्या सेवनटीन इंटू टू विच इज़ थर्टी फोर थर्टी फोर प्लस वन थर्टी फाइव ओके डिवाइड बाय सिक्स ओके सिक्स वन जी सिक्स सिक्स थ्री सा एटीन अब थर्टी फाइव थ्री कितना हो जाता है आपका वन ज़ीरो फाइव क्लियर तो आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए विच इज वन जीरो फाइव अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फाइंड द एवरेज ऑफ द क्यूब्स ऑफ फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर अब आपको क्या निकालना है फर्स्ट टेन नेचुरल नंबर का क्यूब निकालना है तो देखिए वन का क्यूब प्लस टू का क्यूब एंड सो ऑन करते करते टेन का क्यूब इन सब का स्तम डिवाइड बाय टेन करना है तो ये भी फॉर्मूला से लगा दो आप डायरेक्टली देखो फॉर्मूला क्या है आपका एन इन टू एन प्लस वन डिवाइड by टू का होल स्क्वायर ये क्या का फॉर्मूला था आपका ये आपका फॉर्मूला था क्यूब्स का अगर आपको एवरेज निकालना रहते हो तो क्या करते हैं आप इसका एक एन चला जाता है तो ये फॉर्मूला कैसा बन जाता है आपका एन इंटू एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय फोर ऐसा हो जाता है ना डिवाइड कर देते हैं एन से तो देखिए यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी रखनी है आपको टेन रखनी है तो यहीं रख देते हैं टेन इंटू टेन प्लस वन मतलब इलेवन का होल स्क्वायर डिवाइड बाय इसको कर देती मैं अच्छे से देखिए की वैल्यू टू वन जो टू और टू टू पॉइंट फाइव फाइव इंटू वन ट्वेंटी वन अब टू पॉइंट फाइव को आप कैसे लिख सकते हैं ट्वेंटी वन का ट्वाइस और प्लस हाफ तो ऐसे लिख सकते हैं इसको टू फोर्टी टू प्लस इसका हाफ विच इज सिक्सटी पॉइंट फाइव कर दो ये हो जाएगा आपका पॉइंट फाइव और ये हो जाएगा आपका टू ये हो जाएगा आपका थ्री जीरो टू पॉइंट फाइव क्लियर तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे थ्री जीरो टू पॉइंट फाइव क्लियर अब इसका नेक्स्ट टाइप देखिए आपका नेक्स्ट टाइप आता है एवरेज एज वाला टाइप अब नेक्स्ट क्लास में आपको एवरेज ऑफ स्पीड भी सिखाऊंगी कि एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं आप ये तीन केसेस समझाऊंगी ओके तो सबसे पहले आप हमारा डायमएम अकेडमी ऐप डाउनलोड करें बहुत सिंपल प्रोसेस है आपको सिंपली डाउनलोड करना है एमएम अकेडमी ऐप प्ले स्टोर में जाके देन साइन अप करना है आपको टू फ्री वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं वो आप अटेंड कर सकते हैं आपको पसंद आता है कोर्स तो प्लीज गो टू आर प्रोफाइल परचेज अ प्लान एंजॉय अर कोर्स और अगर आपको कोई भी डाउट आए हो तो आप मुझे टेलीग्राम एज वेल एज इंस्टाग्राम पे अपने डाउट भेज सकते हैं ये मेरी इडीज हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन करके रखा है ओके okay? अगर पसंद आई हो क्लास तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब थैंक्स फॉर वॉचिंग